नमस्कार, ममताज आर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कॉपर प्लेट पेन से कैसे लिखा जाता है वो देखेंगे। इसके लिए हमें इंक की बोतल चाहिए, कौन से भी कलर की आपने ली, ब्लैक कलर के लिए तो भी चलेगी। देखो ऐसे ये कॉपर प्लेट पेन है, देखो ऐसे। इसके अंदर हमने यहाँ पर, यहाँ से हम इंक भर सकते हैं इसके अंदर। देखो अगर हमने अंदर इंक भरी भी है तो भी हमें जब भी हम लिखेंगे तब हमें इंक के अंदर डिप करके ही लिखना है। देखो अभी हमें ए लिखना है तो हम यहाँ से ऐसे सर्कल निकालेंगे और ऐसे। ये जो पेन है वो एकदम स्ट्रेट मतलब चलाएंगे तो वो चलते चलते ब्रॉड होता है, इसीलिए इसे क्लिक पेन भी बोला जाता है। बी देखो, बी सी डी, ए बी सी डी। इसके पहले भी हमने ए बी सी डी लिखी थी कर्शियो राइटिंग में, लेकिन वो हैंड राइटिंग का स्ट्रेट निब वाला पेन था। अभी ये क्लिक पेन है, इसकी निब जो है जब जैसे जैसे हम प्रेशर देंगे पेज के अंदर वैसे वो ओपन होता है। ए बी सी डी, अभी ई ई एफ, देखो एफ बड़ा लेटर है, एफ जी एच एच। देखो यहाँ पर थीन है, यहाँ पर ब्रॉड है, ऐसे थीन ब्रॉड। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे थीन होगा और ऊपर से जैसे ही हम नीचे आते हैं वो पेन की निब ओपन होती है, ऐसे उससे वो ब्रॉड हो जाती है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। अभी आई, आई लिखने के लिए हमें ऊपर की लाइन जो है इसके ये थ्री लाइन में लिखा हुआ है ये छोड़ देना है, और यहाँ पर भी ये दूसरी लाइन है उसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अगला वाला लेटर है वो भी थ्री लाइन्स में आने वाला है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो थीन लाइन, अभी ब्रॉड लाइन, फिर से थीन लाइन, आई, अभी ये जे। देखो इस हमें फिर से, अभी ऐसे होने के बाद फिर से हमें इंक में डिप करना है। देखो हम यहाँ से ऐसे के, एल, सब लेटर स्लांट है और हमें 55 एंगल में सब निकालने हैं। एम, एन, ओ। अभी देखो यहाँ पर भी हमें एक लाइन छोड़ देनी है क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पी देखो इंक के निप, निप में सॉरी इंक में निप डिप करने हैं। पी क्यू, अभी क्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल सा ओ, उसके बाद स्लैंट लाइन, स्लांट लाइन ऐसे, यहां से ऊपर, ऊपर से ऐसे, क्यू आर एस
यू वी डब्ल्यू अभी यहाँ एक लाइन छोड़ देंगे, एक्स वाई और यहाँ पर ऐसे स्लांट में ही जेड। ये हो गई हमारी ABCD कॉपर प्लेट पेन के, पेन से कैसे लिखी जाती है वो हमने अभी अभी देखा है। इससे हम क्रिएटिव वर्ड्स भी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। देखो हम यहाँ पर हैप्पी बर्थडे कैसे लिखेंगे, हमें अगर कुछ क्रिएटिव वर्ड्स में अगर कुछ लिखना है तो हम कॉपर प्लेट, ये निब जो है, ये जो पेन रहता है, इसका यूज़ करके हम बहुत अच्छे से कुछ क्रिएटिव वर्ड्स लिख सकते हैं। देखो हम अभी यहाँ पर हैप्पी बर्थडे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे एच बना देंगे। देखो सिंपल सा, अभी क्रिएटिव बनाना है तो हमें थोड़ा सा ऐसे यहाँ से भी हम कुछ ऐसे लाइन निकाल देंगे। ये हो गया हमारा एच। ए डबल पी वाई, अभी देखो एंड में भी हम कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं उसको, ऐसे जैसे हमें चाहिए वैसे। हैप्पी, अभी हम उसके नीचे बर्थडे लिखेंगे। अभी तो एक लाइन छोड़ देते हैं हम, क्योंकि हमें कुछ क्रिएटिव पार्ट अगर बनाना है तो उसके लिए जगह चाहिए। देखो हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ देते हैं और यहाँ से हम ऐसे बी करेंगे। अभी यहाँ पर ये जो लाइन है, अगर हम यहाँ से ऐसे लेंगे तो भी चलता है, लेकिन हम ऐसे, और ये जो आए हैं चाहे तो आप ऊपर की तरफ दो या फिर नीचे, हम ऊपर देंगे हैप्पी बर्थडे। देखो हम ऐसे क्रिएटिव वर्ड्स इस पेन से लिख सकते हैं। अगर इसके बारे में और आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें 7020892 इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करो। थैंक यू।